उसको ससुराल वाले 12 तारीख को 11 तारीख को मार डाले हैं। पाँच का समय था कि क्या हो गया, तो कह रहे कि फांसी लगा ली है। आप लोग ने जब देखा कितनी जली हुई थी, कितने परसेंट बताया डॉक्टर ने? भी जल चुकी है, सिर पूरा बट गया है। इस छल्ले में फांसी लगाई। वो बता रही थी खाना बनाते समय जल रहा और 100% जली थी, केवल पैर के तलवे बचे थे। साफ करने के लिए निकली हैं बाहर तो तीन आदमी खड़े थे, जो घरवाली ने बताया सुनील पकड़ रखा था घरवाली भी मेरी और राजा पिंटू लड़की को उठा के ले गए। These are Bundelkhand statistics for official cases filed against domestic violence, sometimes leading to death. But the cases Khabar Lahariya has been reporting on haven't made it to this census. Instead, what we have are murders after murders that never become proper cases. They are instead washed down the ubiquitous UP trail called the Samjhota. जब औरतें खत्म होती हैं, पीड़ा होती है, पीड़ा होती है, समझौता करना हम नहीं कहते हैं कि सत्य है, लेकिन प्रशासन के व्यक्ति खुद ही जो है वो अपना हकीकत जान करके अपना न्याय कर देते हैं कि भाई हम तो अगर दोनों पक्ष के व्यक्ति राजी हैं, उनके मायके पक्ष की भी और अगर ससुराल पक्ष की भी अगर राजी है तो हम एक प्रधान के हासिल होने के नाते हम तो चाहेंगे कि वो केस क्यों न्यायालय में पहुंचे। A samjhota is a happy meeting place. Suicide is often offered as the resultant cause, like in the case of Uma, who apparently died because she swallowed some dye, despite contrary post-mortem reports. रिपोर्ट में कुछ नहीं जहर के बारे में है। उन्होंने डॉक्टर ने बताया था कि मुंह में डाई डाले हैं, लेकिन डाई अंदर गई नहीं, क्योंकि घूंट नहीं बना। घूंट बनता तो गुटक जाती है, जब मर गई थी तो उसका घूंट नहीं बना, अंदर कैसे जाएगी डाई? और फिर पानी डाल के डालते थोड़ा थोड़ा रस रस के चली जाती है, जोर ठेस के भरते हैं उसके मुंह में तो जोर कैसे चली जाएगी। हमने सुना कि यहाँ पर उनकी हत्या हुई है। हम घर में रहने थे, चले गए दाने खरियाने, दानों में कचरा में उसको बुला गए तो नहीं थे, फिर जब मैं गई बुला में थे कि बोल दिए कि डाई खाए, तो उसको हम यहाँ लेके गए जसपुरा। एक्सीडेंट्स ऑल्सो सीम टू हैपन क्वाइट ऑफन, हरिडली नोटेड डाउन इन पुलिस रिपोर्ट्स। जलने से मौत, सी अ सेट ऑफ इन लॉज who slept right through a night as the woman suffered 100% burns. मोई बिटिया से 3 महीना से फोन से बात नहीं कर रहे हैं, मोई बिटिया से हाँ आई सब साथ मर हर रहे हैं। जब मैं खून नहीं हुआ रहा था, मैं कहा जानो की लड़ाई लड़ाई झगड़ा भी हुई था, तो बिटिया का फूके कैसे आग लग गई? मुझे मालूम नहीं, मैं सो रहा था, पता नहीं कैसे लगी कि लगाई, मुझे मालूम नहीं। जब मेरे पास भागी जब वो बिस्तर पर ठक दी, Saving their own lives. Not being disowned by their village, saving their life savings from court kacheri ke chakkar, increasing chances of their other daughters getting married. हम ये लड़की के चाहते हैं कि हम तो गरीब पढ़ते, हम लड़की रख ना पाएंगे, कच्चा धन हमारी लड़की। तो आप क्या करना चाहेंगे, कुछ एक्शन लेना चाहेंगे? असल में ऐसा है, मुझे एक्शन नहीं लेना चाहती, हमारा ये मतलब है कि देखिए कि हमने इनको 1 लाख रुपए दिया था मकान, तो वो हमारा वापसी कर दे और दहेज दीजिए।
और हमको कुछ इतनी सजा है इन लोगों को, बस इतनी और कुछ नहीं करना। The police love the samjhota too. It helps them in keeping the crime rate low at a district level, so newspapers can write exactly that. Uphold the quintessential Indian value, Izzat, by reminding the girl's family that they lose Izzat when they file a case. Stay in good books with social influencers so that their jobs are safe. And maintain status quo. A filed case is hard to erase. कानून के जरिए बताए हुए तरीके होते हैं, उसको अपनाते हुए हम कार्रवाई करते हैं। कई बार अपराधी जल्दी पकड़ में आ जाता है, कई बार थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अपराधी अल्टीमेटली कानून के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है हम गिरफ्तार कर लेंगे, बस जाइए आप, और कुछ नहीं करती है कार्रवाई। पुलिस खुद नहीं जा रही है, घर पे वो बराबर है और लेकिन फिर भी पुलिस नहीं जा रही, ना उन्हें उठा रही है ना कुछ कर रही है। लाश पे समझौता, That is the accurate term for it in Bundelkhand, preferred by all stakeholders involved. Khabar Lahariya supports those who speak against this and continue to report for those willing to put up a fight. सबसे पहले तो सरकार को, क्योंकि जैसे एक केस पुलिस के पास जाता है तो पुलिस भी टरकाने की कोशिश करती है या एक कोशिश करती है कि समझौता हो जाए। मुझे नहीं लगता कि महिला के साथ हिंसा होने के बाद कोई समझौता मायने रखता है, क्योंकि महिला का आत्मस्वाभिमान काफी बड़ा होता है। सोलहनामा तो कर नहीं सकते, मर सकता हूँ लेकिन सोलहनामा नहीं कर सकता। अगर ऐसे सोलहनामा करते रहे तो इनके बाहुबल बढ़ते रहेंगे, ऐसी बच्चियों की इज्जत जाती रहेगी, इसलिए अन्य लड़की की तो इज्जत न जाने पाए।